विक्की कौशल की सैम बहादुर को बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के पहले दिन से ही रणबीर कपूर की एनिमल के साथ क्लैश करना पड़ा। हालांकि सैम बहादुर को भी दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इसी के साथ ये फिल्म भी एनिमल के तूफान के आगे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है और कामयाब भी रही है। सैम बहादुर देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकर्षी की बायोपिक है और फिल्म में विक्की कौशल ने सैम मनेकर्षी की लीड रोल प्ले किया है और उन्होंने इतनी शानदार एक्टिंग की है कि हर कोई उनकी तारीफ करते थक नहीं रहा। हालांकि सैम बहादुर को एनिमल से क्लैश के चलते बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। सैम बहादुर ने रिलीज के 8वें दिन 3.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ सैम बहादुर का 8 दिन का कुल कलेक्शन 42.05 करोड़ रुपए हो गया है। अब ये फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े को छूने की ओर बढ़ रही है। मेकर्स की उम्मीद है कि ये फिल्म वीकेंड पर इस माइलस्टोन को पार कर लेगी। फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर टिकी हुई हैं। आमी का डिसिप्लिन उसकी नींव है। आमी की नींव मत हिलाइए। पाकिस्तान याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।